हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एक शानदार फॉर्मूला लेकर के आया हूँ, पतली शोल्डर पट्टी वाला ब्लाउज, वो भी सभ्यसाची पैटर्न किस प्रकार से बनाना है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन आज एक ऐसी वीडियो आई है जो आपका दिल खुश कर देगा। शानदार फॉर्मूला आप लोग को देने वाला हूं, लेकिन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहां पर एक मेजरमेंट पर गौर करना, ये सभ्यसाची ब्लाउज बनेगा लंबाई 14 इंच की, चेस्ट 36, कमर 31, शोल्डर 14 इंच, सामने का गला 8 और पीछे गला 11, डॉट पॉइंट 10 इंच पर है। कंप्लीट बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है। तैयार शोल्डर की जो पट्टी चाहिए वो 1 इंच की चाहिए, ब्लाउज में 1 इंच की पट्टी होना। अब कितना गला लेंगे, कितना शोल्डर लेंगे, और सिर्फ सभ्यसाची ब्लाउज के नहीं, इवन कोई भी अगर आप ब्लाउज बनाते हैं, चाहे वो कटोरी ब्लाउज हो, चाहे बेल्ट ब्लाउज हो, चाहे प्रिंसेस कट हो, या कोई भी पैटर्न हो, दूसरी बात किसी भी साइज का ब्लाउज हो, ध्यान से सुनना, कोई भी साइज का ब्लाउज हो आप बना पाओगे। मैं ये फॉर एग्जाम्पल ये मेजरमेंट लेके आपको बता रहा हूँ, लेकिन पूरा आपका दिमाग खोल दूंगा आज इस वीडियो में कि कैसे किस साइज के लिए आप इसको बना सकते हैं। पतली शोल्डर पट्टी के रिगार्डिंग आज के बाद आप लोगों के कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना, हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, इस पर हम पीछे पल्ले का निशान लगाएंगे। जो बेसिक मेजरमेंट है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। आज जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमको पतली शोल्डर पट्टी को लेकर कंफ्यूजन होता है, उसको पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करते हैं, जैसे लंबाई का निशान है ये हम लगा लेते हैं, 14 चाहिए तो 15 का निशान यहाँ पर लगाएंगे, 1 इंच का मार्जिन लेकर के इस प्रकार से, और स्केल से इस निशान को हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो जैसे मैंने कहा कि शोल्डर कितना बॉडी मेजरमेंट पर 14 का हम हाफ करते हैं, कितना होता है 7 इंच, तो ये छोटा सा मार्क 7 पर, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हम 1.5 इंच माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि डीप गला है, तो डीप गले में जब भी आप डीप गला बनाओगे तो बॉडी मेजरमेंट में जो शोल्डर है उसका हाफ लोगे और उसके बाद 1.5 इंच माइनस कर दोगे। जब भी आपको 10 और प्लस उस 10 से अब आप जितने भी गले बनते हैं उसमें 1.5 इंच माइनस, और ज़्यादा डीप हो रहा है तो 2 इंच माइनस, ये फॉर्मूला होता है। अब 1.5 इंच माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर कितना बच रहा है, 5.5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि हम इसमें गला कितना लेंगे, हम सजेस्ट करते हैं आप 2.25 इंच का गला लो, 32, 34, 36 अगर आप बना रहे, मैक्स टू मैक्स आप मान लो कि कितना ले लोगे, 2.5 इंच ले लोगे, ठीक है। ये 2.5 इंच का आप गला लेते हैं, उसके बाद आपका जो शोल्डर पट्टी, गले को छोड़ दो, शोल्डर पट्टी कितना बच रहा है, ये बच रहा है यहाँ पर 3 इंच का। अब 3 इंच अभी कटिंग करते वक्त बच रहा है, आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आस्तीन ज्वाइंट करोगे, 0.5 इंच आपका चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 2.5 इंच का। तो ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होता है। लेकिन आपको कितना इंच का पट्टी चाहिए, 1 इंच का, तो उस कंडीशन में आपका कंफ्यूजन क्या है कि सर हम शोल्डर को उस साइड से कम करें कि इस साइड से कम करें, कहने का मतलब आर्म होल की तरफ से कम करें कि गले की तरफ से कम करें। अब करें तो करें क्या, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो आज मैं आप लोगों को एक शानदार प्रैक्टिकल फॉर्मूला देने वाला हूं, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। अभी हम क्या करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ध्यान से जो लास्ट तक देखेगा उसी को बताऊंगा। अभी हमने 5.5 इंच लिया, अब हमको 1 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए ना, तो सीधा सीधा मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप इसमें माइनस करोगे तो आधा शोल्डर की तरफ से करोगे और आधा गले की तरफ से। गले की तरफ से माइनस करने का मतलब गले को आपको ज़्यादा फैलाना होगा, ठीक है, और शोल्डर को और कम करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ये जो पैटर्न है इसमें मैं 0.25 इंच शोल्डर कम कर रहा हूँ और 0.25 इंच गले को बढ़ा रहा हूँ। तो हमारे पास जो तैयार पट्टी आ रही है वो कितने इंच की आएगी, 1 इंच की। क्यों, क्योंकि कटिंग करते वक्त हमारे पास यहाँ पर 1.5 इंच बच रहा है, ठीक है। तो 1 इंच की हमारी तैयार पट्टी आएगी, अस्तीन वगैरह, पाइपिंग वगैरह सब लगाने के बाद, ये वाली पट्टी, ठीक है, ओनली 1 इंच की आएगी। ये कैसे होगा और इसके लिए क्या फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इस पैटर्न को हम लोग रेडी करते हैं एकदम फटाफट, ठीक है। अभी ये जितना शोल्डर आया यहाँ से आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना कितना हो रहा है, 0.5, क्योंकि पहले था 5.5, हमने 0.5 माइनस किया, 0.5 इंच, 0.75, तो उसके बाद ये इस प्रकार से आपका पैटर्न बनेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आर्म होल का शेप लेंगे, डीप गला है तो आर्म होल पहले नाप सकते हैं, 36 है, 5.5 पे ले लेंगे, और बॉडी मेजरमेंट है तो आप कोशिश करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेने, 0.5 भी ले लेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी मेजरमेंट है, चेस्ट पे 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे, 36 की जगह 38 कर देंगे, 38 का चौथा हिस्सा 9.5 और 1.5 इंच का मार्जिन, ठीक है। ये सब बेसिक कॉमन चीज़ें हैं, और ये पीछे का पल्ला है तो इसको हम फटाफट से करते हैं कंप्लीट, क्योंकि जो बताना था इसमें मैंने बता दिया, और फटाक से इसको रेडी करते हैं, आर्म होल वगैरह शेप देते हैं, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी आगे बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ सभ्यसाची का पैटर्न कैसे तैयार होगा उसको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला दूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सभ्यसाची बस में ये काम नहीं आएगा, किसी भी तरह के ब्लाउज, किसी भी तरह के पैटर्न, किसी भी तरह के साइज में ये आपको काम आएगा। तो फटाफट से हम इसको रेडी करते हैं और इसको काटने के बाद हम देखेंगे क्या
फॉर्मूला। ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद सब्यसाची पैटर्न को देखें, इससे पहले हम फॉर्मूले को देखते हैं क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में। तो उसको पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर कट सारी चीज़ें समझाऊंगा। फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है उसको समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बी एम डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.5। कहने का मतलब क्या है कि बॉडी मेजरमेंट में जो आपका शोल्डर है उसको आप 2 से भाग करोगे, जितना आएगा उसमें 1.5 इंच माइनस करोगे। गणित का फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी किसी फॉर्मूले में गुणा भाग और प्लस माइनस एक साथ हो रहा हो तो आपको गुणा या भाग को पहले करना है, बाद में प्लस और माइनस को करना है। तो ये जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो समझ जाएंगे। अभी बॉडी मेजरमेंट में मान लेते हैं कि हम शोल्डर कितना है 14, जैसे मैंने अभी आपको जो मेजरमेंट का लिस्ट था उसमें दिखाया 14 इंच शोल्डर है। ठीक है, अब उसमें मैंने क्या कहा कि जैसे नॉर्मल कंडीशन है, अभी तो हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। जब भी हम आमतौर पे कोई ब्लाउज बनाते हैं डीप गले का, तो क्या करते हैं, भाग देते हैं 2 का। बॉडी मेजरमेंट में जितना शोल्डर उसमें 2 का भाग दिया, 7 आया। जैसे अभी हमने निशान लगाया 7 इंच का शुरू में। थोड़ा इस पेपर को साइड करते हैं और वहां पर मैंने आप लोग को बताया 7 इंच पर हमने पहले क्या किया था, एक मार्क किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, 1.5 इंच माइनस किया। ठीक है, 1.5 इंच हमने माइनस किया था। तो यहां पर वही चीज बताया कि आपको 1.5 इंच माइनस करना है। तो अब इस फॉर्मूले के अनुसार वो क्या हो गया, 14 में 2 का भाग दिए तो 7 आ गया। अब उसमें हमको 1.5 इंच माइनस करना है तो 5.5 आया। हमने 5.5 का तैयार शोल्डर लिया। ठीक है, 5.5 का हमने तैयार शोल्डर लिया। अब मैंने कहा कि गला 2.5 इंच का आप रखो, 2.5 इंच का हमने गला रखा है या आमतौर पर जो भी है वो रखते हैं। तो कितना बचा शोल्डर पट्टी, 3 इंच का। अब ये 3 इंच का जो शोल्डर पट्टी बचा वो कटिंग के वक्त बचा, लेकिन ब्लाउज पूरा रेडी होने के बाद उसमें क्या अस्तीन ज्वाइंट होता है, पाइपिंग वगैरह लगते हैं, उसके बाद 2.5 इंच के आता है ब्लाउज बनने के बाद तैयार शोल्डर आता है। लेकिन अभी कंडीशन क्या है कि सर हमको तो 1 इंच ही शोल्डर पट्टी चाहिए, तो ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 1.5 इंच ज़्यादा हो रहा है। तो आपको 1.5 इंच घटाना पड़ेगा। पूरा 1.5 इंच क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो अस्तीन का ज्वाइंट वगैरह है वो हमने ऊपर ही ले लिया। कैसे, 3 इंच शोल्डर पट्टी बच रहा था, हमने 2.5 इंच ही तैयार माना। ठीक है, अब 1 इंच का पट्टी चाहिए तो 1.5 इंच और माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आप हाफ हाफ माइनस करोगे, है ना। तो 0.25 इंच गले की तरफ हमने माइनस किया और 0.25 इंच इस आर्म होल की साइड में माइनस किया। ठीक है, इधर माइनस किए और गले की तरफ में माइनस किए, तब जाके हमको 1 इंच की शोल्डर पट्टी मिलेगी। अब देखो, ये फॉर्मूला तो मैंने क्लियर कट समझा दिया, जिसको समझना है समझ गए होंगे, जिसको नहीं समझ आया स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रिपीट कर करके बार बार देख लेना। ये तो हुआ 14 इंच के लिए। अब आपको ज़्यादा दिमाग मत लगाना पड़े, ज़्यादा फॉर्मूला मत लगाना पड़े, मैं आपको 15 इंच के लिए भी बता देता हूँ। जो ये यहाँ पर 0.25 इंच लिखा है ना, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अगर हमारा शोल्डर 15 इंच है बॉडी मेजरमेंट में तो हम 1 इंच माइनस करेंगे। साइड में इसको लिख देते हैं, 1 इंच दोनों तरफ से माइनस करेंगे। ये कब के लिए होगा, 15 इंच के लिए। ठीक है, अब मान लो कि आपका बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर जो है वो 16 इंच है, तो 16 इंच वालों के लिए हम 1.25 इंच माइनस करेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, मतलब 1.25 इंच आपका गला और फैल जाएगा और 1.25 इंच शोल्डर और कम हो जाएगा, तब जा करके आपको 1 इंच की पट्टी मिलेगी। तो ये बेहतर कैलकुलेशन है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने बताया कि जैसे आप नॉर्मल किसी भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना, वैसे ही करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप ये फॉर्मूला तीनों ध्यान रखना, अगर बॉडी मेजरमेंट में आपके कटिंग में शोल्डर 14 है, है ना, और आपको 1 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए, तो भाई गले की तरफ को 0.25 इंच फैला देना और शोल्डर तरफ से आर्म होल की तरफ से 0.25 इंच कम कर देंगे। 15 इंच है तो 1 इंच करेंगे, 16 इंच है तो 1.25 इंच करेंगे। तो ये एक क्लियर कट फॉर्मूला जो आप लोग को समझ में आया होगा। और जिन लोगों को 1 इंच बहुत कम लगता है, जिन लोगों को 1.5 इंच पट्टी वाला फॉर्मूला चाहिए, वो लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं। 1.5 इंच पट्टी वाला फॉर्मूला भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है, पूरे फॉर्मूले के साथ। अभी आते हैं सब्यसाची के पैटर्न पर। देखो, हमने पीछे पल्ला क्या किया, कटिंग किया,
तो पीछे पल्ले में जो हमने मार्किंग वगैरह किया है उसी के हिसाब से हमने अभी इसको पूरा कॉपी किया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने पूरा इसको क्या किया है, कॉपी किए हैं। अब सब्यसाची पैटर्न क्या कहता है, जैसे ये शोल्डर का तो मैंने सॉल्यूशन पूरा दे दिया, गला सबसे पहले तैयार करते हैं फ्रंट का, और मैं केवल फ्रंट बताऊंगा, बैक तो बाकी आप सब समझदार है बना लेंगे, बैक का गला बस देख लेंगे ज़्यादा है तो। सब्यसाची में गला थोड़ा सा ज़्यादा डीप रहता है, 7.5-8 है ना, तो हमने 8 इंच यहाँ पर कॉमन रखा है, 8 इंच के हिसाब से हम गला यहाँ पर शेप दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा आपका गला ना फैले, वी गला शेप आप दे सकते हैं, पान गला दे सकते हैं, पान गले में भी कोई दिक्कत नहीं है 8 इंच में, और वी गला है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, 9 इंच में भी दिक्कत है। ठीक है, अब सब्यसाची पैटर्न के मुताबिक यहाँ पर डॉट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेजरमेंट हो जाता है, 10 इंच का डॉट है तो आधा इंच मार्जिन लेंगे, 10.5 पे ये मार्क होगा। और जैसे हमने सब्यसाची ब्लाउज को बारंबार देखा हुआ है, जैसे यहाँ पर दोनों डॉट्स के बीच की दूरी जैसे आ रही है मान लो 4.25 इंच की, या हाफ में 4.25, टोटल में 8.5, तो हाफ करके 4.25 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया, तो हमारा ये डॉट पॉइंट यहाँ से निकल करके आ जाता है। अब उसके बाद हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला सब्यसाची के लिए देखा हुआ है, यहाँ से है ये कितना 4 या 4.25 जो भी है, तो आप क्या करोगे, पहले 1 इंच इसको डाउन कर दोगे, जैसे हम आमतौर पर आजकल प्रिंसेस कट में करते हैं वैसे ही सब्यसाची में भी कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में नाप के देखेंगे, कैसे क्रॉस में, यहाँ पर कितना है, जैसे मान लो 4 है तो तिरछे में इधर 4 ले लेंगे, 4.25 है तो 4.25 ले लेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस तरह से आपको नापना है। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट पफ क्रिएट करेगा, कैसे पफ क्रिएट करेगा, ये वाला निशान आपको पहले सीधा मिला लेना, उसके बाद समझ में आएगा। देखो यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे प्रिंसेस में करते हैं उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, ये इस टाइप से ये लाइन हम ड्रॉ करके एकदम इजीली ला लेंगे, ये मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे मैं कटिंग आप लोग को नहीं बताता हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ ताकि सबके दिमाग में घुस जाए। ये हो गया, अब इसके बाद हम लोग ये पफ कहाँ से क्रिएट करेंगे, बीच वाले पोर्शन से क्रिएट करेंगे, इस एरिया से, ये पूरा पफ यहाँ से क्रिएट होगा, ये आपका डॉट है समझ जाओ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बेल्ट का शेप दोगे, प्रिंसेस सॉरी सब्यसाची में बेल्ट आता है, तो बेल्ट यहाँ पर हम दे देंगे लगभग 2.5 इंच का शेप, तो ये इस प्रकार से यहाँ से राउंड कर देंगे, एकदम सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ से हम पीछे पल्ले को लेंगे, पीछे पल्ले में हम क्या नापेंगे, कमर, टोटल कमर का साइज कितना है, टोटल में आ रहा है 10.5, डॉट वगैरह सब मिला के, मार्जिन वगैरह सब मिला के, तो भाई ये यहाँ से ले करके इतना इस प्रकार से नाप के सीधा 10.5 पे निशान लगा देंगे। ठीक है, उधर के एरिया को नहीं देखना है, क्यों नहीं देखना है, क्योंकि वो कट के बाहर हो जाएगा, ऊपर भी मार्जिन दे देंगे क्योंकि दोनों पीसेस ज्वाइंट होंगे, तो ऊपर 0.5 इंच का मार्जिन और इधर ये कंप्लीट में 10.5, तो आपका कमर भी बैठ जाएगा और वो जो ज्वाइंट करोगे वो भी बैठ जाएगा, दोनों को मिला करके ये आपका मार्जिन पफ के लिए क्रिएट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको मेज़र करेंगे कितना है, 4.5, ठीक है, नोट करके रख लेंगे, ये 4.5 इधर से नाप लेंगे, ये कितना है, ये ज़्यादा नहीं आएगा, ये लगभग 2.25, और इसका जो टोटल हमने मेज़र किया 10.5, उस मेजरमेंट को यहाँ पर आप नोट करेंगे। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, योग पट्टी या बेल्ट जो भी आप इसको बोलें, इसको फटाक से काटते हैं, उसके बाद बेल्ट की कटिंग देखेंगे, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो इसलिए मैं फटाफट इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस टाइप से ये पफ क्रिएट करेगा एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर। अब हम इसके लिए एक बेल्ट की कटिंग करेंगे, बेल्ट की कटिंग एकदम कॉमन है, तीनों मेजरमेंट हमारे पास है तो इसको काटना बेहद ही ईजी है। देखो इस कप में इस पेपर पे हो जाएगी कटिंग, हम इसको हल्का सा क्रॉस लेंगे और उसके बाद ये एकदम स्ट्रेट लेंगे, नीचे 0.25 का मार्जिन बेल्ट पे कॉमन रहता है, चाहे आप कहीं पर भी किसी भी ब्लाउज में बेल्ट लगाओ, है ना, नीचे 0.25 मार्जिन छोड़ देना। एक मेजरमेंट था हमारा 4.5 का, तो उस लाइन से 4.5 मेज़र करेंगे, इधर था 2.25 का और ये था 10.5 का, तो ये 10.5 और ये 2.25, तीनों मेजरमेंट आपस में मिला देंगे, ये देखो इस प्रकार से, पहले तो इसको 2.25 लेकर के सीधा मिला देना और उसके बाद राउंड देना। तो ये राउंड देने का भी एक टेक्निक होता है, कहाँ से राउंड देंगे, एकदम से आपको राउंड देना है, कैसे, 3.5 से 4 इंच के गैपिंग पर, एकदम अजीब टाइप से नहीं मिलाना है, इस प्रकार से शेप दोगे ताकि वो एक्चुअल में योग पट्टी या बेल्ट की तरह दिखे, राउंड शेप की तरह दिखे। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से आपको काटना है और ये फ्रंट आपका रेडी है,
शोल्डर पट्टी आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। ये अभी इसमें मार्जिन ऐड है इसलिए ये 1.5 इंच का है, है ना। और पूरा ब्लाउज़ तैयार होने के बाद 1 इंच का आएगा। अब पीछे पल्ले का जो शोल्डर पट्टी है अगर हम उसकी गले की कटिंग करें तो वो किस तरह से आएगा उसको भी देख लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे। तो बाकी इसमें देखना ही क्या है, बाकी तो पूरा कंप्लीट ही है ना। तो यहाँ पर ये इस टाइप से 11 इंच का गला जो भी है 10.5-11 जो भी आप रखना चाहते हैं रख लें और इस प्रकार से मिला दें। ऊपर गला ऑलरेडी फैला हुआ है सीधा मिला दें, ठीक है। और जो भी आपको पीछे शेप देना है दे सकते हो, सिंपल गोल गले का शेप दे देते हैं और इसको भी काट देते हैं तो आपको पीछे पल्ले का भी आइडिया हो जाएगा कि कितना चौड़ा शोल्डर पट्टी इसमें मिलता है। जिन लोगों को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। पेपर कटिंग्स में अभी जो भी ऑफर चल रहा है आप लोगों को डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करोगे डिटेल पूरी मिल जाएगी। 100% फिटिंग के साथ 100% कैश ऑन डिलीवरी पर आप पेपर कटिंग्स को मंगाइए और विद इन 7 डेज आपको ये रिसीव हो जाएगा। मंगाने के लिए अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और पिन कोड ये सारी चीज़ें ही भेजनी होती हैं। चाहे तो आप अपने रिक्वेस्ट पे भी बॉडी मेजरमेंट के आधार पर पेपर कटिंग्स बनवा सकते हैं, तो उसके लिए भी डिटेल्स आप लोग ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये मुझे जरूर से बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।